सो वी विल सी वे देर इज चिल्ड्रन हैव डिप्रेशन यस दे हैव सो ये चाइल्ड हुड डिप्रेशन को कैसे रिजॉल्व किया जा सकता है प्रोलॉन्ग और इंटेंस स्ट्रेस इन चिल्ड्रेन लाइफ विथ सोनर और लेटर अफेक्ट इमोशनल एंड फिजिकल वेलबींग देखिए अगर बच्चे पर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस रहे किसी भी वजह से इग्नोरेंस की वजह से नगलेक्ट की वजह से या कोई जगह तब्दील हुई उसकी वजह से या कोई उसका पेट जो है वो उसको कोई मसला हो गया इन सारी सूरतों में अगर बच्चे को डिप्रेशन हो गया है तो कुछ तो पहले उसमें अलामतें नज़र आएंगी जो बहसीत वालदान और इस हमें आइडेंटिफाई करनी होंगी उनमें से ये है कि देखिए उस पहले तो हम ये वजूहत देखते हैं कि उसको ये डिप्रेशन आया क्यों एक तो ये हो सकता है कि जी फैमिलीज़ जिससे सेप्रेशन हो गई कई दफ़ा डिवोर्स के केसेज़ होते हैं तो बच्चे जो हैं वो सिंगल पेरेंट के तरफ वो शिफ्ट होते हैं फिर ऐसे हो सकता है कि माँ पहले घर पे थी फिर अचानक काम पे चली गई और बच्चे को या नए बच्चे की पैदाइश हो गई तो बच्चे को लगा कि शायद मैं इग्नोर हो रहा हूँ मेरी सारी तवज्जो जो है वो अब नए बच्चे की तरफ चली गई है फिर ऐसा भी हो सकता है कि कोई बच्चा बीमार हो जाए और वो हॉस्पिटलाइज हो जाए तो ये वो प्रॉब्लम हैं जो दरअसल बच्चों बच्चे को डिप्रेशन की तरफ ले जा सकते हैं फिर ये है कि कई दफ़ा ऐसा भी होता है कि तोता पाला हुआ है और एक तोते की डेथ हो गई है तो बच्चा डिप्रेस हो गया पेट्स की जो डेथ है वो भी बच्चे को डिप्रेस करती है जाहिर है उसकी उसके साथ एसोसिएशन हो गई है फिर जो आपके फैलोज हैं जैसे आपका कोई फ्रेंड था फिर वो कहीं शिफ्ट हो गया ट्रांसफर हो गया तब भी बच्चा अपने आप को अकेला महसूस करता है तो ये वो चीज़ें हैं जो डिप्रेशन पैदा करती हैं तो सम चिल्ड्रन आर अनएबल टू कोप विद क्रॉनिक स्ट्रेस एंड मे डिवेलप अ सेंस ऑफ एक्सट्रीम एंड परसिस्टेंट सैडनेस एंड होपलेसनेस अब देखिए हम ये कह रहे थे कि अगर बच्चा किसी भी वजह से जो हमने अभी बयान किया इसके अलावा किसी वजह से कोई उसके ऊपर स्ट्रेस आता है तो छोटा बच्चा है वो स्ट्रेस को अभी कोप नहीं कर सकता और अगर वो कोप नहीं कर सकता तो फिर क्या होगा उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फिज़िकल इमोशनल और सोशल चेंजेस आएंगे सोशल इस तरह से कि वो लोगों से मिलना जुलना बंद कर देगा फिज़िकल इस तरह से कि उसकी हरकत सकनात पहले से कम हो जाएंगी खेल में कम हिस्सा लेगा उस तरह से दौड़े भागेगा नहीं उस तरह से एक्साइटेड नहीं होगा और मेंटल ये कि उसकी लर्निंग और जो भी उसकी समझ की बातें थी वो भी कम होना शुरू हो जाएंगी तो इसके अलावा भी कुछ चेंजेस आती हैं जैसे एपथी और डिसइंटरेस्ट इन एक्टिविटीज़ और फ्रेंड्स अब वो अपने दोस्तों में या जो भी एक्टिविटीज़ हो रही थी खेल हो रहा था उसमें वो तोज्ह नहीं दे रहा वो एक साइड पर बैठा हुआ है उसकी भूख भी कम हो गई है मुझे नहीं खाना मुझे अच्छा नहीं लग रहा और फिर ये कि कई दफ़ा उसको नींद भी नहीं आ रही होती अब नींद ना आना भी बहुत सख्त डिप्रेशन की एक कलाम था आपने देखा खुदा न खास्ता जब कोई कैटेस्ट्राफी आ जाती है कोई सैलाब आ गया या जल्जिला आ गया या अचानक लोग माई एक जगह से दूसरी जगह किसी पोलिटिकल इंटरफेरेंस की वजह से माइग्रेट करते हैं तो बच्चे कई कई रातों तक सो नहीं पाते उसकी वजह यह है कि उनका जहन फिर उसको ऊपर सोचता रहता है ज़ाहिर है वो इतने बड़े तो हैं नहीं कि वक्त की मुसलहत को समझ सकें तो वो फिर सोचते रहते हैं उनको नींद भी नहीं आती फिर कंप्लेन ऑफ फिजिकल डिस्कम्फर्ट्स अब इसके साथ साथ ये भी होना शुरू हो जाता है कि अब उनको जिसम के अंदर भी बेचैनी और दर्द शुरू हो जाता है जैसे सर में दर्द हो गया मेदे में दर्द हो गया वामटिंग होगी डायरिया हो गया बड़ी दिलचस्प बात है कि कई ऐसे बच्चे जिनके स्कूलों में उस तरह से बड़ा अच्छा और अट्रैक्टिव माहौल नहीं होता तो सुबह उठते हैं और वो कहते हैं हमने स्कूल नहीं जाना और वालदेन पूछते क्यों नहीं जाना तो वो कहते हैं कि हमारे पेट में दर्द है हमारे सर में दर्द है और वो समझते हैं झूठ बोल रहा है बहाना लगा रहा है ये हकीकत है अगर बच्चा डिप्रेस हो रहा है वो समझता है कि स्कूल एक ऐसी जगह नहीं है जहाँ उसको एक्सेप्टेंस मिलेगी जहाँ उसकी इज्जत की जाएगी जहाँ उसको प्यार मोहब्बत मिलेगा या खेल खेलने का मौका मिलेगा तो वाकई उसके पेट में दर्द हो जाता है और वाकई उसके सर में दर्द हो सकता है इसलिए हमें यह देखना है कि बच्चा एक डिप्रेशन की सूरत में और कई तो ज़ोर ज़ोर से रोते भी हैं और अगर रो रहा है बच्चा तो उसको हौसला भी देना चाहिए और उसको पॉजिटिव चीज़ें भी बतानी हैं और फिर ये ख़ास तौर पर पता करें कि स्कूल में क्या हो रहा है तो इस की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने स्कूल को इसी सी के रूम्स को इतना दिलचस्प और इतना अच्छा बनाएं कि बच्चा शौक़ से वहाँ पे आए ताकि उसके डिप्रेशन में कमी हो ना कि इजाफा हो फिर हम देखते हैं कि अनकंट्रोलेबल जो एग्रेशन है वो भी इसके साथ है कि अच्छा ठीक है मेरी बात किसी ने नहीं मानी ज़बरदस्ती मुझे स्कूल भेज दिया जब मैं मैं कह रहा था मेरे सर में दर्द है या पेट में दर्द है अब मैं क्या करूँगा मैं दूसरों को पीटूँगा मारूँगा तो हमें ये सारी सूरत हाल एक नेगेटिवली नहीं देखनी यानी हमें यह नहीं देखना कि हमारे बच्चे जो हैं वो ख़राब हैं वो बदतमीज़ हैं बल्कि उसकी वजह को समझने की कोशिश करनी है कि असल में इनका प्रॉब्लम क्या है और हम इसको रिज़ोल्व किस तरह से कर सकते हैं